फोटो वीडियो बना कुछ अकल नहीं है मेरे को, शूट कर दोबारा एक्टिंग करनी पड़ेगी कुछ। क्या ये कॉफी कैसी लग रही है? क्या हो गया भाई? एक मुसीबत नहीं है, 100 मुसीबत है। अब यहाँ इसका टायर पंचर होगी एक्टिवा का। ये देखो भाई, मार उतारे ला पानी में डूब के आ रहे ला क्या भाई, एक्टिवा बंद है भाई, एक्टिवा तो चालू हो गई। आ जा सीधा मत कर, टेढ़ा कर व्लॉग। फ्लेक्स रॉन्ग, तैर गया भाई यहाँ से। मेरी एक्टिवा बंद हुई, बाकी सबकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ बाइक के एक्टिवा जुपिटर सब निकल गया। और पीछे के रास्ते आया था, वहाँ पानी नहीं भरा है भाई, मुझे क्या पता। अब जाएंगे कैसे? यहाँ तो देख पानी भरा हुआ है, या अंदर से रास्ता है यहाँ से? अंदर और पानी भरा होगा तो फिर यहाँ से निकल जाएगी। चल अभी तो थोड़ा सा आगे तक निकल जाएगी। तू ला रहा है, मैं लाऊँ? ला पाएगा तू? यार मेरे को गड्ढों का अंदाजा नहीं है यहाँ पे। चल अब यहाँ से रास्ता है आगे से, चल ना। तो यहाँ से निकालेंगे, एक साथ बैठेंगे तो रुक जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। या तो तू ला पाएगा या तो मैं ला पाऊंगा। आगे आगे से लेफ्ट हो जाइए। ठीक है ठीक है, मैं लाता हूँ। तू व्लॉग बना दे भाई। हाँ ये मेरा आराम से भाई, आराम से यहाँ से चल लेना। हाँ रास्ता इधर से है भाई, भीग रहा हूँ मैं, आओ तो इधर। The next day. भाई पानी काम नहीं कर रहा। क्यों कर रहे हो भी? मैं क्यों आया क्यों है? पता नहीं क्यों आया हूँ मैं। जल्दी बोल दे यार, बोल दे क्या? हेलमेट दे, कुछ बाल बचाओ अपने। हाँ तो गाइस हम लोग निकल दिए हैं, पता नहीं कहाँ। यहाँ से तू सीधे निकल जाएगा सेक्टर 22 अगर रूफर में बीमार पड़ा। हाँ भाई बिगा के अच्छा लग रहा है आपको सर? सब बढ़िया है। क्या क्वालिटी आ रही है भाई? ऊपर दिखा, ऊपर की क्वालिटी चाहिए। यहाँ से भाई 2 दिन जिम नहीं गए। दो दिन जिम नहीं गए, जो फ्लैक्स है ना स्टार्ट। 2 दिन जिम फ्लैक्स। ये बंदा डंबल खा के पैदा हुआ था भाई, क्या कर रहा है? पीछे देख लोग आ रहे हैं। तेरे को जल्दी रात में ब्लॉग करनी है भाई, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था। चलो मैं फोन ऐसे में भी फोटो खींची, ऐसे में भी फोटो खींची, ऐसे ऐसे की मोर फ्रेम दे दे कर सकता मैं। खींच ली फोटो 15-20 तेरी। चल वीडियो से फोटो खींच सकती है भाई, आईफोन। अरे नहीं वो नॉर्मली भी हो जाता है पता है। या तो क्लब में जाओ, एंट्री देंगे नहीं क्लब में। और ऊपर चल रहे हैं तो मूवी दे, अगर नन रात में करेंगे चल रही है, चलेगा? अगर अभी चल रही है तो नन देखने चलते हैं। नहीं चलेगी, 11:30 बजे लास्ट होती है। यार कुछ करवा के एक और शो करवा दो बस। हाँ हो सकता है अगर तू 5-6 हज़ार रुपये दे दे ज़्यादा। हम क्यों दे 5-6 हज़ार? हमारे दुश्मन दे 5-6 हज़ार। जा भाई एक्सेलरेटर है। हाँ मैं जाता हूँ ना। अब हमें यहाँ के गार्ड मारे अंकल जी, रुझू करेंगे मूवी दिखा दो, मूवी दिखा दो भाई। टिकट होती कोई भाई? लास्ट कौन सा है सर? लोग अब नहीं हुई कोई है अपने भाई। ये मूवी डिले हो रही है ऐसे ऐसे लोगों की वजह से। साल जाए नहीं मेरे को काटो नहीं बोलते। रिलैक्स पास। अरे चुप रे यार। चले पिटेंगे बहुत। अब बंद हो गया भाई हॉल। अपने दोस्त कहाँ है? अपने दोस्त कहाँ है भाई? दोस्त कहाँ है? चल रहा है क्या? दे नहीं दे रहे ना, एंट्री नहीं दे रहे। क्या रे बंद हो गया है? ऐसा है हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। पीछे से आइए। कौन सी चल रही है भैया? कौन सी चल रही है इधर? तो कुछ भी चला दो। कुछ भी चला दो। अब बताइए जब उस दिन। हाँ यहाँ ये स्कैन कर रहे हैं, ट्राई मी स्कैन कर लें एक बार। ये QR कोड स्कैन करवा रहा हूँ जी इससे।
देखो जी वहाँ है क्वींस क्लब, एज मेरा 18-24, इनकम मेरी कितनी है लेस देन 10 लाख थोड़ी ना है, वहाँ क्वींस क्लब है भाई। हाँ देखो भरे बड़े लोग, यहाँ अभी हमें कोई मूवी मिली नहीं, बंद हो चुकी है, बट ठीक है वहाँ है। अबे रिफिल क्यों नहीं भाई, खाली पड़ा हुआ है, रिफिल कैसे बोल रहा है ये, वे को रिफिल बोल रहा है, एक गलत है, झूठ बोला गया हमारे साथ अन्याय हुआ है। मेरे को लगा वो अंकल देख रहे हैं यार मुझे, मेरे को एक सेकंड के लिए एंग्जाइटी हो गई, मुझे लगा वो साला क्यों देख रहा है यहाँ पे। ठीक है आगे चलते हैं। क्यों रो क्यों रहा है भाई, स्मार्ट तो दिखता है भाई, तेरी बॉडी भी है, सिक्स पैक एब्स भी है, फिर भी लड़की नहीं है, यही तो दुख है। चाहिए क्या औरत को, अरे चाहिए क्या औरत को। हाँ औरत, तो भाई हम रात में रास्ते में रुक के हमने हेलमेट पहना है, अभी हम एमजी रोड पे, एमजी रोड नहीं, एमजी मॉल के, एमजीएफ मॉल में थे, एमजीएफ मॉल थे हम, बस खाली वहाँ हांडे, क्योंकि कुछ करने को है नहीं, मूवीज कुछ बची नहीं, कॉफी हमें मिली नहीं, कॉफी मिली नहीं, तो अभी वही 24/7 जा रहे हैं हम कॉफी पीने सिकंदरपुर। हाँ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे हम, मैं पूरी सेफ्टी के साथ साथ में ऑटो चल रहा है, पता नहीं क्या मामला है, यहाँ पुलिस खड़ी थी इसीलिए इसने हेलमेट पहना है, बिना हेलमेट नहीं चलना था, मैंने ब्लॉग नहीं किया वो। तो यहाँ पे भाई कॉफ़ी रूस्टर वगैरह है यार, स्नैपचैट में ना वो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हाँ तो भाई रुपत भाई मत करें ब्लॉगिंग, हम 24/7 जा रहे हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है भाई रुपत भाई कॉफ़ी की, थैंक यू सो मच, क्योंकि इनको कुछ पैसे रिटर्न करने थे मुझे। हाँ तो साढ़े वो तो अभी भी देने हैं, किसी बहम में हो रहा हो, यहाँ कॉफ़ी पिला के इधर काट लेगा साले, कुछ ना काटने दूंगा, 1 रुपया भी साले तू ही दे रहा इसके, और वो 1000 रुपये लग, वो 1000 रुपये कहाँ खर्च हुए थे, वो सीक्रेट वाली बात है, टॉप सीक्रेट। हम पे तो है ना, मेरे को शूट कर, दोबारा एक्टिंग करनी पड़ेगी, पूछ। क्या ये कॉफी कैसी लग रही है? बहुत ही वाहियात कॉफी है, बहुत ही ज्यादा, 110 रुपये की है, बताओ 110 रुपये की कहाँ से वैल्यू है इसमें, इन्हें कॉफी कौन सी डाली ये बताओ। ये सीसीडी वाली जो मेरे ऑफिस में लगी है ना मशीन, उसी से बना है, बट ये ऊपर का वो डिपेंड करता है ना, महंगी किस लिए है कॉफी, रात में तेरे को 1 बजे कॉफी मिल रही है। अच्छा वो भी एक बड़े से शोरूम में घंटे का शोरूम है, तो क्या हो गया भाई, औरत भाई है, रिच है, रिच आदमी है, रिच आदमी बहुत घना पैसा, अम्मा लड़की तो है नहीं, मारू भाई पे खर्च करे। मारू भाई अगर लड़की होते तो मारू भाई को ये हम पिला रहे होते, सिंपल सी बात है, मारू भाई किस्मत ऐसी है वो लड़की नहीं है। देख रहे हो क्या किस्मत है, कहाँ पे आके पीनी पड़ रही है भाई, तो देखो तो कहाँ पी रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, ऑफलाइन है भाई, अब मेरे पास गड्डी है नहीं, तो फोटो वीडियो बना, कुछ अकल नहीं है, दिख रहा है कहीं, देख रहे हो 3 बेवकूफ लोग, ये गए, ये बचने वाले हैं, ड्राइवर भी बाहर है मुंह निकाल के, निकल के बाहर जा रहे हैं, एक सैलून से निकल रही है, एक राइट से निकल रहा है, एक लेफ्ट से निकल रहा है, नेक्सॉन थी ना, क्या थी, नेक्सॉन है। अरे यार दिक्कत वही है ना, हमें मुड़ना है, क्या हो गया भाई, निकल गए बंदे, निकल गए, कैसे हो गया मतलब भाई साहब, रात में गुड़गांव का यही हाल होता है। देख लो भैया पहले ही आ जाते हैं हम, ब्लॉगर पहले ही आ जाते हैं भाई। नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो बकचोदी कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं है भाई, ये नॉर्मल तो है बट इंटरेस्टिंग भी तो है भाई, बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है यार, मैं कुछ नहीं कर रहा, इंटरेस्टिंग है भाई ये तो, देख रहे हो भाई ड्राइवर नशे में था। हाँ आ रहे आ रहे आ रहे, हम ये देख के निकल रहे हैं, क्या बात है भाई, चिकन तो नहीं ना, वेजिटेरियन हूँ मैं, वेजिटेरियन है ये, ठीक है ठीक है, आ रहे भाई, चलो भाई ड्राइवर पिए हुआ था और दो बंदे थे, दो बंदों को निकाल दिया ड्राइवर, पीने के बावजूद यहाँ से निकल के भग गया, क्या बात है, चलो भाई। डिजाइन थी गाड़ी कौन सी थी, एक्सेल थी, डिजायर थी, और क्या कहता हूँ टैक्सी थी, मतलब ओला उबर वगैरह जो भी है, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ था जिसने ड्रिंक कर रखी थी, दो पैसेंजर थे, अभी हमें वहाँ बंदा बता रहा है कि गाड़ी पलट गई, वो डिवाइडर पे जाके खड़ी हो गई,
जो खड़ी होती है जैसे GTA वगैरह में, वैसे खड़ी हो गई। और क्या कहता हूँ, वो भाग गया ड्राइवर, ड्राइवर भाग गया पता नहीं कैसे, मैं वही सोच रहा हूँ साले ने पी हुई थी फिर भी भाग गया, और दो पैसेंजर को बाद में निकाल दिया गया। तो गाड़ी वहीं खड़ी है, चाबी वाबी लगी हुई है, बट वो लॉक करके चला गया पता नहीं। हाँ चाबी, हाँ चाबी निकाल के चला गया, वो लॉक करके चला गया। मस्त है, लाइट वाइट जल रही है गाड़ी की। हाँ तो भाई देखो बात ऐसी है, अभी चुप, बिल्कुल चुप। राजीव चौक के लिए, अरे हेल्प क्या, बहुत बड़ा वो है तू, धन्यवाद। अरे कोई हम कौन होते हैं हेल्प करने वाले यार भैया। अरे यार हम, हमारा फर्ज बनता है यार, रात में कोई 3 बजे अकेले घूम रहा हो यार। गेमिंग लैपटॉप पूरे गोरखपुर में नहीं मिलता, फोन कराया था हाँ। तो ये मारो भाई बस भाग रहे, हम भैया को भी ड्रॉप कर देंगे। भैया हाय बोल दो। यस प्लीज प्लीज गाइस, अब हम राजीव चौक पहुंच गए बस भाई साहब, आपने बहुत हेल्प करी। अरे भैया हम कोई नहीं हेल्प करने वाले यार भैया, आपने आपकी किस्मत अच्छी थी। अरे किस्मत यार, एक ये देख रहा है, हमने अपने दोस्त को कॉल किया, हम तो निकल दिए फ्री का खाना तोड़ने। हाँ फ्री का खाना तो। अब आप कहाँ जाओगे भैया? अच्छा अच्छा देख लो भाई, ये दर्द दिया आपने, ये अभी दर्द दे दिया हमें, दर्द दे दिया बताओ भैया, आपका भी कटेगा भैया, आपका भी कटेगा। बस मेरे को छोड़ा। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आहा दर्द, थैंक यू ब्रो। अरे चलो भैया भाई, चलो भाई कोई बात नहीं, बाय बाय मिलते हैं। ओके चल भाई, चलो अब हम निकल लिए भैया को छोड़ के। भैया तो अब अपनी रात को मस्त रंगीन कर देंगे, हमारा कुछ है नहीं, हम तो अपने दोस्त के पास जा रहे हैं। अब हम ओवरहेड पास में आ चुके हैं, हम चल रहे थे कौन सी लेन कहते हैं उन्हें, सर्विस लेन पे चल रहे थे हम, वहाँ इतना पानी भरा हुआ है। इनफैक्ट ये वाली जगह पे दिखा दे दूर से उंगली करके, ये देखो नीचे इतना पानी भरा पड़ा है अगर तुम देख पा रहे हो, और वहाँ वाली लेन पे भी। अब हम इस लेन पे जाना है हमें, दिखा मुझे दिखा, अभी हमें ये वाली नीचे वाली मेन रोड पे जाना है, वो जा नहीं सकते हम। अब हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक अब ये एक्टिव, ये जुपिटर भी रुक गई है, सुबह तक का वेट करना पड़ेगा जब तक पानी नहीं सूखता। अदरवाइज वहाँ एक और कट है, हम वापस वहीं से जा रहे हैं जहाँ से हमने चढ़ाई थी, वहाँ से दूर एक कट है। अगर वहाँ तक पहुँच गई एक्टिवा, जुपिटर पहुँच गई, तो हम निकल पाएंगे, मेन रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे, वो भी उल्टी साइड को। बट मुश्किल लग रहा है, या तो हमें सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, वहाँ वेट करते, वहाँ पे दुकान भी है, मैकेनिक की दुकान भी है यार, सुबह खुल जाएगी। चलो ठीक है, अगर सुबह वहाँ तक का वेट कर लेंगे। देखो कुत्ते भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही सलामत पहुँच जाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं। चल भाई चल चल चलो। तो गाइस हम अभी रॉन्ग साइड मेन रोड पे आ चुके हैं, हमने उस वाली सर्विस लेन से निकाल ली, हमें रॉन्ग साइड इसलिए आएगी कि मैप गलत देखा जा चुका था हमारे मित्र द्वारा, बट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा हुआ उस साइड तो बहुत पानी था, उस साइड हाँ, उस साइड हम लेके गए थे अबव पास जो भी है उसे, जो भी कहते हैं ओवर पास, बट वहाँ से हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा पानी था। अब हम आ चुके हैं रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग साइड पे अभी ये चालू होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, 10-15 मिनट की बात है, फिर ये फर्स्ट क्लास हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको कोई हेट नहीं देगा, ये बहुत तगड़ी है। बस अभी चालू हो जाएगी, हमारा दोस्त आ रहा है, वो बुलेट लेके आ रहा है, उसके साथ एक और दोस्त आ रहा है, वो धक्का लगवा देंगे, हेल्प करा देंगे थोड़ी सी, कोई इशू नहीं है। हम बस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन में, जल्दी पहुंचेंगे। विडनाइट एडवेंचर, बहुत एडवेंचर। रात के कितने बज रहे हैं, टाइम बता। 4 बजने वाले हैं, रात के 4 बजने वाले हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लेट्स गो। स्टार्ट करके देख, अब हाँ स्टार्ट करके देख लेते एक बार, ऑन शायद ऑन कैमरा ही मान जाए, चौक खींच के सब कुछ थोड़ा सा स्टार्ट, थोड़ी सी होप देती है ये। लटा के स्कूटी की तरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका कुछ हमें ट्रिगर पॉइंट मिल गया, लगेगा 10-15 मिनट लगेंगे, टाइम लगेगा गाइस, पानी से दोबारा आइए, क्या करें गाइस। फाइनली हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, बाइक स्कूटी, अरे बाइक स्कूटी एक ही है, दो पहिए वाली है। तो यहाँ पे हमारा दोस्त हमें लेने आ गया था, हम निकल लिए उसके घर, हमने अपने कपड़े चेंज किए और फिर हम निकल लिए घूमने। गाइस हम अपने दोस्त की फैक्ट्री आ चुके हैं, अभी हम बच गए हैं 8:03, उसके बाद क्या कहता हूँ, हम आ चुके थे
इसके घर रुके अपने अनुराग दोस्त के, वो भी वहाँ चल रहा है काम, अगर दिखा पाए तो वो अंदर डिस्कशन वगैरह चल रहा है। ये उसकी भाई पूरी फैक्ट्री है, यहाँ CNC वगैरह का काम होता है सारा। बट कपड़े भी चेंज कर लिए भाई, तो बता दे। हाँ कपड़े भी चेंज कर, अनुराग भाई ने दिए हैं कपड़े भी, देख चुके थे। बट यहाँ सब कुछ हो गया। अब हमने खाना वाना भी उसके घर खाया, भाई के भाई ने हमें क्या कहते हैं कपड़े दिए, हमें लेने आए इतनी दूर से। बट हमारी स्कूटी चालू हो गई, बाद में चालू हो गई थी, बट हमें लेने आया, उसके बाद भी हम पहुँचते नहीं मेरे को जहाँ तक लगता है। अंदर अंदर रास्ता था भाई, हमारी तो मर जाती, ये तो कन्फर्म है। हम और मिलता भी नहीं शायद हमें फिर भी। बट कैसे तैसे हम निकल गए, पहुँच गए, आ गए हम। अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं, उनका अंदर डिस्कशन चल रहा है लेबर के साथ, तो वो ख़त्म होगा फिर हम अपन उसके घर से अपने वापस वो वाले कपड़े उठाएंगे, पहनेंगे, चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस अपने एक्टिवा उठा के घर निकल लेंगे अपने। मेरे को तेरे को भी छोड़ना है। अभी हम मानेसर में, ये बताना भूल गया, अभी हम मानेसर में, मानेसर में आगे बिनटोला, बिनटोला बिनटोला गांव है, बिनटोला है, पता नहीं क्या नाम, इंडस्ट्रियल एरिया है कोई, इंडस्ट्रियल एरिया बिनटोला जो भी है, लिखा हुआ आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, इतनी रेटिंग कर देंगे। अरे दिख रहा है तू वैसे भी। और फिर इसके बाद अभी हम जाते हैं, हमने खा लिया था दाल चावल और मछली चिकन, मछली चिकन इसने खाया, मैंने दाल चावल और आलू खाए थे, मतलब बढ़िया टेस्टी खाना था यार, मज़ा आ गया। अनुराग भाई अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू। सोते हुए नहीं लिया ना तुम लोग? हाँ मैंने ले लिया भाई। हम आ गए हैं, अब हम अनुराग भाई के घर से जा रहे हैं, उसे बिना बताए क्योंकि वो सो गया बेचारा, थक गया था रात भर, उन्होंने बहुत पार्टी की है बेचारा, वो सो गया था। अरे थक गए भाई, वो इतना काम कर गया है, हमें तो कोई काम नहीं है, हम तो जा रहे हैं, ये लिफ्ट खुल रही है, चल रहे हैं, हम बिना बताए हैं उसको भाई। इसमें होपफुली हमें अपनी एक्टिवा मिल जाए, वो बड़ी बात है, अगर एक्टिवा मिल गई तो अच्छा, हमने अपने कपड़े चेंज कर दिए। वो रही अपनी एक्टिवा, अभी मेरे को बात करा बाहर, अभी भी बारिश हो रही है, हम पता नहीं, और टाइम बता दे कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 10:23। हम तो रात में सोए नहीं बिल्कुल भी। हाँ हम तो बिल्कुल नहीं सोए रात भर। एक्चुअली हम लोग का प्लान था जल्दी निकलने का, लेकिन फिर उसके, फिर अभी हम नाश्ता कर लिया है, हमने बाहर से पराठे खा लिए, अनुराग भाई के साथ ही खाए भाई। एक मुसीबत नहीं है, 100 मुसीबत है। अब यहाँ इसका टायर पंचर हो गया एक्टिवा का, हमने सोचा ऐसे ही आ जाएंगे और यह टायर पंचर हो गया। अभी मारुत भाई को भेजा ऊपर, देखते हैं क्या प्रोग्रेस है, साला टायर भी पंचर होना था। फ्रंट से बस मारियो, फ्रंट हो रहा है, फ्रंट तो बता है, बट आ गए भाई हम, देख रहे हो हमें मिल गया भैया, भर रहे हमारी हवा, हमारी भी तुम्हारे पास, कोई नहीं भैया भर देंगे, कोई सीन नहीं। ये बारिश है क्या, इतनी कम बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा कम बारिश तो हमारे ज़माने में होती थी, बाबा तुम जमाने से, बिल्कुल बिल्कुल बारिश तो बहुत कम है। पैदा हुए लौंडे, 1.5 किलोमीटर से खींच के ला रहे, इतनी कम बारिश में, डेढ़ दो किलोमीटर से खींच के ला रहे, इतनी कम बारिश। मेरे को लग रहा तेरा ऑडियो ना ख़राब हो गया, हो सकता ना, नहीं होगा भाई। अरे बस ठीक है ठीक है ठीक है, तो कोई ना चेंज कर दो, चेंज कर दो जो करना है, बस इसको रेडी रख दो, गुड़गांव जाना है बस, दिल्ली जाना है, रास्ते में रोक देते हैं, अभी तक तो नहीं खुला, अभी दिल्ली 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 11 तारीख तक ना, हाँ 11 तारीख टूट गया है हमारा, वो हवा भरने वाला ही टूट गया, टूटा कैसे, अच्छा वो उठा के ठीक है काट भाई, नया टायर लगा साले ने, 1800 का खर्चा। ओए सच बता अपने बंदों को, 500 रुपए का, 550 रुपए का खर्चा हुआ, आधे ये देगा और आधे मैं दूंगा। हाँ तू भी देगा साले, तेरा भी फर्ज बनता है, अकेला मैं क्यों मरूं। ठीक है गाइस अब हम जा रहे हैं, हमने सब काम कर लिया, अब होपफुली हम घर पहुंच जाए बिना किसी तकलीफ के, शायद शायद पहुंच जाए लास्ट और आखिरी टाइम, हमारी हालत देख लो क्या हो गई, ये इम्पोर्टेंट बस, ठीक है फाइनल है भी, हम देखो हम पूरे पजामे से किस पे आ गए, यही तो जिंदगी है।
बारिश होपफुली नहीं हो रही, जब निकले थे बहुत ज्यादा बारिश। हाँ, बारिश हो नहीं रही, यही एक अभी फन की बात है, बारिश नहीं हो रही, सबसे बड़ी एकदम भीग चुके हैं भाई पूरी तरीके से। चलो कोई नहीं, अपना फोन रख दिया मैं डिक्की में, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से घर जाएंगे। भाई यहाँ से एक कार खरीदी है रुपत भाई, मैं जो तुम्हारे चक्कर में 12 घंटे से ऊपर हो गए, भीगते भागते घूम रहे हैं साले। मैं क्या करूं, मैं सो मत जाइयो, तू अब हम जा रहे हैं मारुत भाई को छोड़ने, मारुत भाई चला रहे हैं, मेरे को तो बहुत आ रही थी नींद तो मैं पीछे बैठ गया झपकी लेने, पता नहीं कहाँ से जा रहा है, अभी हम दोनों गिरे पड़े होंगे पानी के अंदर। तो हम राजीव चौक पहुँच गए, मान्य सर से आ गए हैं गाइस। क्या बोल रहा हूँ, फोन जाते हैं यार, रख ले यहाँ है साले। लड़की सुंदर है, देख रहा है, देख रहा है, ये बोलने के लिए ले लिया फोन। हम रेड लाइट पर रुक चुके हैं और अभी भी बारिश हो रही है, धीमी धीमी सी, बहुत प्यारी सी बारिश हो रही है, ये भी गंदा ही हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम दोनों नहाएंगे, पता नहीं ये नहाएगा नहीं नहाएगा, मैं तो नहाऊंगा, मैं नहाऊंगा भाई, फिर शैम्पू भी करूँगा, फिर अपना मैं ओट मील खा के सो जाऊँगा, फिर उठूँगा रात को, जल्दी उठ जाऊँगा, लूँगा 2-3 घंटे की नींद ताकि मैं सुबह तक उठ पाऊँ। सीधा ले लें आप गाड़ी, देख लें क्या कर रहा है, फोन मार रहा है गाइस। हाँ, तो मारुत को छोड़ने के बाद उसको छोड़ के 10-15 मिनट हो गए, मैं अपने घर की तरफ निकल लिया। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलेंगे सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन पीस, बाय।